खबरों और नतीजों का रिएक्शन भी आपको आते हुए दिखेगा। रैलिस इंडिया, अविनाश जी एक बार इस पर आपसे राय लेनी थी। नंबर्स कुछ ज़्यादा खास नहीं है, रेवेन्यू ज़रूर आपका हमने देखा है 16% गिर कर आया, ऑपरेशनली थोड़ा इम्प्रूवमेंट ज़रूर यहाँ पर देखा है, कैसे समझना चाहिए सर इसे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए दीपांशु, एग्रोकेमिकल कंपनीज का सबसे बड़ा सीजन अप्रैल टू सितंबर में होता है और अनुमान है कि देखिए जो ये सीजन होगा वो पिछले साल के सीजन से काफी अच्छा होना चाहिए। पिछले साल इन्वेंट्री पाइल अप काफी हो गई थी, अंडर कटिंग देखने को मिली थी और इस कारण से सारी एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड कंपनीज में हमने देखा कि बहुत ही खराब नंबर्स आए थे। इस बार का नंबर हम देख रहे हैं कि ऑपरेशनली डेफिनेटली अच्छे खासे नंबर्स आ गए हैं, ऑपरेशनली एबिटा बनाए काम का, अगर लॉस की बात करें तो भी वो कम हो चुका है, तो डेफिनेटली टर्न अराउंड शुरू हो चुका है। लेकिन प्रॉपर रिकवरी के लिए मेरे ख्याल से आपको और एक 6 से 12 महीने का वेट करना पड़ेगा, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस लेवल से डाउनसाइड पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। यहाँ से मुझे लगता है कि अगले साल की अगर हम बात करें, होपफुली सीजन अच्छा होता है तो अच्छी खासी बढ़त आपको रैलिस इंडिया के स्टॉक में देखने को मिलेगी। ओके, तो रैलिस इंडिया देखते हैं, ऑपरेशनली नंबर्स इनके अच्छे आए थे।